विवास पेट्रोल पंप सिविल कंस्ट्रक्शन के ऊपर में मैं आज आप लोगों को कुछ जानकारी दूंगा। देखिए आप लोग, जो पेट्रोल पंप का सिविल कंस्ट्रक्शन होता है ना, वो सब करने के लिए तो आप लोग को भी कोई भी जगह पर लेबर और मिस्त्री चाहिए। लेकिन लेबर और मिस्त्री आजकल क्या होता है, नहीं मिलता है कोई कोई कॉन्ट्रैक्टर को। लेकिन वो लोग को लेबर और मिस्त्री चाहिए तो वो लोग भी हम लोग से जुड़ सकते हैं। हम लोग सब कॉन्ट्रैक्ट में उसका काम भी करके दे सकते और उसके साथ पार्टनरशिप में भी काम कर सकते। लेकिन सिविल कंस्ट्रक्शन का जितना काम है ना पेट्रोल पंप का, वो सब करने के लिए वो लोग को सुपरवाइज़र चाहिए, उसके बाद लेबर मिस्त्री भी चाहिए। ये सब कुछ जो करने वाला आदमी है ना, एक्सपीरियंस वाला आदमी 100%, वो लोग से करने से आपका मुनाफा भी ज़्यादा होता है और उसके बाद आपका काम भी इमरजेंसी ख़त्म होता है। लेकिन आपका जानकारी वाला मिस्त्री और नॉन जानकारी वाला मिस्त्री में फ़र्क रहता है। लेकिन जानकारी वाला मिस्त्री आपका 2 महीना में काम ख़त्म कर देगा, लेकिन नॉन जानकारी वाला मिस्त्री है ना, वो तो आपका 4 महीना में भी ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन उसको इस काम के ऊपर में पूरा नॉलेज होना चाहिए, लेकिन नॉलेज नहीं रहने से तो वो ये सब कुछ काम नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, हम लोग एक जगह पर टैंकी बैठाने के लिए एक नया आदमी को भेज दिया था, लेकिन वो लोग वो काम को पूरा कर नहीं पाया। लेकिन वो लोग उधर से 50% काम करके चला गया था, भाग गया था। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग दूसरे जो पुराना आदमी है ना, वो लोग को भेज दिया। उसके बाद इसको पूरा प्रॉपर सही से कंप्लीट करके उसके बाद उधर से वो लोग चला जाएगा। लेकिन ये सब कुछ काम वो लोग तो जानकारी है, लेकिन चेयर कैसे करके बैठाना है, जो टाइम बगल होता है ना उसको कैसे करके बैठाना है, उसके बाद गार्ड वॉल कितना कैसे करके करना है, और उसके बाद आपको उसका नीचे ढलाई कैसे करके करना है, ये सब कुछ भी उसको सही से जानना चाहिए और उसके बाद ही वो ये सब कुछ काम कर सकते। देखिए, हम लोग इस जगह पर पूरा प्रॉपर ढलाई सब कुछ कर दिया, 50% कम्प्लीट कर दिया, इधर टैंकी डाउन दे दूँगा। लेकिन उसके पहले इसको एक बार प्रॉपर चेक कर रहा हूँ, नीचे का ढाला सही हुआ या नहीं हुआ, और जो टान बकल है ना, ये सब कुछ भी अच्छा से बैठा हुआ है या नहीं है, और उसके बाद नीचे से पानी लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब कुछ भी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन इधर थोड़ा ये सब चेक करने का एक ही मकसद है, लेकिन इधर का जो डीलर है ना, वो थोड़ा प्रॉब्लम वाला आदमी है, इसलिए ये सब कुछ काम हम लोग इसको सही से पूरा प्रॉपर अच्छा से करके दे रहा हूँ। जो आपका इस्टीमेट है ना, उसमें जितना जैसे करके है ऐसे करके हम लोग ये सब कुछ काम करके दे रहा हूँ वो लोग को। लेकिन उसके बाद ये सब कुछ साइड हम लोग उसको चेकिंग कर रहे हैं, और अभी जो हम लोग दिख रहा है ना वीडियो में, ये सब कुछ हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग के टाइम में हम लोग पूरा प्रॉपर उसको वीडियो बनाया हुआ है और कैसे करके क्या किया, ये सब कुछ भी हम लोग पूरा सबूत रखा हुआ है। लेकिन उसके बाद ये जूता को भी हम लोग चेक किया जी, हाँ उसमें पानी आया हुआ है या नहीं आया। लेकिन कोई कोई डीलर इतना हरामी निकलता है ना, इसके वजह से हम लोग जूता को भी प्रॉपर चेक किया, ये सब कुछ किया। उसके बाद हम लोग ये देखिए, ऐसे करके हम लोग ऊपर का जो स्लैब है ना, ऐसे करके डाल दिया। स्लैब डालने के बाद उसको चारों साइड से पूरा घूम के वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद इसको पूरा चेक किया जे इस साइड में आपका जो ड्रेसिंग है वो सही हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद प्रॉपर चेक किया। चेक करने के बाद हम लोग उधर भी एक वीडियो बनाया और उसके बाद उधर भी पूछ लिया जहाँ भाई आप लोग का सब कुछ सही है या नहीं है। उसके बाद वो लोग को भी दिखाया। उसके बाद हम लोग इधर बीट बना के उसको पानी दे के छोड़ दिया 2-3 दिन के, और एक जगह पर हम लोग दूसरा एक जो काम है उसके लिए अभी आदमी भेज दिया था। उधर जाके मैंने देख लिया जहाँ वो लोग क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे और कौन सा काम कर रहा है। जो रॉड का कटिंग का काम है ना, ये सब कुछ भी वो लोग कर रहा है। लेकिन रॉड कटिंग किस लिए कट रहा है, कौन सा काम के लिए कट रहा है, ये सब कुछ भी वो लोग को मैंने पूछा जो भाई तुम लोग ये सब कुछ किसके लिए कटाए। वो लोग मेरे को बोला जो कैनोवी है उसके लिए। उस टाइम में मैंने देखा जी हाँ, कैनोवी का जो पोस्ट है ना उसको थोड़ा उस लोगों ने गड़बड़ी कर दिया। जो पोस्ट का रॉड होता है ना, सरिया बोलता है, वो सरिया कितना करके कटना चाहिए, वो लोग को मैंने पूछा जो भाई तुम लोग कितना करके कट रहे हैं इसका सरिया। तो बोला जो हम लोग 1.5 मीटर करके कटा। अरे भाई 1.5 मीटर कैसे होगा, उसमें तो मिनिमम आपका 7 फुट 8 फुट रहना चाहिए, लेकिन तुम इतना काम करके क्यों दे रहे है? और उसके बाद उसका जो एल होता है ना, वो एल कितना करके देगा, जो लिविंग बोलता है उसको कितना इंची दोगे तुम, उसको भी पूछा मैंने। लेकिन वो लोग बोला जो हम लोग 4 इंची देगा। हाँ रे भाई 4 इंची कैसे करके होगा, नहीं होगा ना, 1 फुट देना पड़ेगा, 300 देना पड़ेगा, 300 नहीं देने से तो नहीं होगा। लेकिन इतना भारी पुश रहेगा उसमें, पूरा ऊपर का जो टक्सर है उसको लूट लेगा। लेकिन पुश में सब
लूट रहेगा, इसलिए उसको सही से नहीं बनाओगे तो तब तो आपका साइट का पूरा जो लूट है ना वो तो नहीं कैप्चर कर पाएगा, इसलिए उसको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैंने उसको बोला जी अरे भाई तुम 2-3 सरिया काट दिया, लेकिन ऐसे मेजरमेंट में काटने से नहीं होगा, लेकिन इसको सही से पूरा प्रॉपर अच्छा करो, उसके बाद ही इसको काटो, ठीक है। ये लोग पूरा अभी रॉड कटिंग कर रहे, जो आपका कटिंग मशीन है ना वो सबसे ये लोग रॉड कटिंग करने का काम कर रहे, लेकिन रॉड कटिंग करने का काम कर रहा है तो ठीक है, लेकिन ये सब थोड़ा सही से करना पड़ेगा, लेकिन हिसाब मेजरमेंट में गड़बड़ी होगा तो ये सब कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद वो रॉड और सब कुछ लेके वो लोग दूसरा काम करने के लिए जाएगा, और दूसरा साइड में हम लोग शूटिंग शूट किया। देखिए इधर हम लोग का एक साइड है, इस साइड में हम लोग का जो कैनोबी का पम्पेस ये सब कुछ बना हुआ है। उसके बाद इधर हम लोग जेसीबी से इसको पूरा ड्रेसिंग कर रहे, पहले जो आपका काटिंग वोटिंग का काम था ये सब कुछ भी हम लोगों ने कर लिया, और उसके बाद ड्रेसिंग भी कर रहे जो हाँ इधर ड्रेसिंग होने वाला है। ड्रेसिंग हो जाने के बाद इधर अच्छा से पूरा प्रॉपर ड्रेसिंग एक बार चेक कर लूँगा, जो अप डाउन कहाँ रहेगा, चुलूपिंग कहाँ रहेगा, ये सब कुछ पूरा प्रॉपर चेक कर लूँगा हम लोग। चेक करने के बाद इसको पूरा सही से एक बार रोलिंग कर दूंगा, रोलिंग होने के बाद जहाँ जहाँ पर आपका कॉम्पैक आएगा उधर तो सही है, और जिस जगह पे कॉम्पैक नहीं होगा उस जगह पे हम लोग दोबारा उसको गड्ढा खान देगा, या उस जगह पर हम लोग आपका जो पुराना बम्बू है ना उसको घुसा देगा। घुसा देने के बाद उस जगह पर कॉम्पैक आ जाएगा और बम्बिंग भी नहीं करेगा। लेकिन कोई भी जगह पर ऐसा बम्बिंग कुछ भी हो रहा है तो आप लोग तब प्रॉब्लम मत घबराए, उस जगह पर बम्बू घुसा दीजिएगा, बम्बिंग सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप लोग का सब प्रॉब्लम।